हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुंदरम फिनांस होम लोन कैसे लें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सुंदरम फिनांस होम लोन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप सुंदरम फिनांस होम लोन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, सुंदरम फिनांस होम लोन की इंटरेस्ट रेट 8.6% एनुअली से शुरू होती है। ये होम लोन आप 25 सालों तक की लोन पीरियड के लिए आप ले सकते हैं। आप प्रॉपर्टी की वैल्यू का 85% तक आप होम लोन के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सुंदरम फिनांस कई प्रकार की होम लोन प्लान्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए होम लोन ले सकते हैं। आप घर बनाने, घर खरीदने या फिर घर के रिन्यूअल के लिए, घर के फ्लैट के कंस्ट्रक्शन के लिए आप होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस होम लोन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इस होम लोन के तहत आप 4 करोड़ रुपये तक की लोन की राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। होम लोन के तहत दी जाने वाली लोन की अमाउंट आपके क्रेडिट हिस्ट्री और आपकी इनकम पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आपकी इनकम अधिक है और आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो आप अधिक लोन की अमाउंट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पर आप होम लोन के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सुंदरम फिनांस होम लोन की इंटरेस्ट रेट 8.6% एनुअली से शुरू होती है। अगर आप बैंक के मौजूदा कस्टमर हैं और होम लोन की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप बैंक की अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें सुंदरम फिनांस होम लोन के बेनिफिट्स और फीचर्स की, तो दोस्तों, आप घर खरीदने, घर के रिन्यूअल के लिए, घर के निर्माण के लिए आप सुंदरम फिनांस होम लोन ले सकते हैं। कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट, फ्लेक्सिबल लोन पीरियड, कन्वीनियंट रिपेमेंट ऑप्शन और पर्सनल सर्विस के साथ सुंदरम फिनांस कस्टमर्स को होम लोन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको होम लोन पर इंश्योरेंस का भी बेनिफिट प्राप्त होता है। सुंदरम होम फिनांस के द्वारा कस्टमर को लीगल और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। आप अपने क्रेडिट स्कोर और अपनी इनकम के आधार पर मैक्सिमम लोन की अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कस्टमर्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सुंदरम फिनांस पूरे देश भर में 120 से ज़्यादा ब्रांचेज ओपन कर चुका है जहां से आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन सुंदरम फिनांस से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने होम लोन में आप को एप्लीकेंट्स को जोड़कर आप मैक्सिमम लोन की अमाउंट के लिए एलिजिबल बन सकते हैं। दोस्तों, आप हस्बैंड या वाइफ या परिवार के करीबी सदस्य को आप को एप्लीकेंट के रूप में जोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी के सभी को ओनर को एप्लीकेंट होने चाहिए। अगर आप इस होम लोन की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आपका होम लोन 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर अप्रूव कर दिया जाता है। सुंदरम फिनांस होम लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर कस्टमर्स को होम लोन प्रोवाइड करता है जो कि बदलता रहता है। दोस्तों, आप सुंदरम फिनांस होम लोन की ईएमआई का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम ईसीएस या सिलेक्टेड बैंक के साथ ऑटो डेबिट के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे स्थान जहां पर ईसीएस या ऑटो डेबिट सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर ईएमआई का पेमेंट पोस्ट डेटेड चेक के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, ईएमआई का पेमेंट सैलरी डिडक्शन के रूप में भी किया जा सकता है। इनकम टैक्स की एक्ट 1961 की धारा 80C और 24B के तहत आप होम लोन में टैक्स बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, आप अपने होम लोन की अमाउंट को पार्शली या फिर टोटली आप समय से पहले यानी कि प्री पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सुंदरम फिनांस होम लोन कितने प्रकार की प्लान्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सुंदरम होम फिनांस कई प्रकार की होम लोन प्लान्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। आप जिस होम लोन का बेनिफिट लेना चाहते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि प्लॉट लोन्स, होम इम्प्रूवमेंट लोन्स, होम एक्सटेंशन लोन, होम टॉपअप लोन, टेक ओवर लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों, बात करें सुंदरम फिनांस होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों, इसके लिए एप्लीकेंट की एज 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। कोई भी सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इस होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट भारत का निवासी होना चाहिए, तभी आप सुंदरम फिनांस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें सुंदरम फिनांस होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों इसके लिए आपके KYC डॉक्यूमेंट्स की कॉपी की ज़रूरत होगी। KYC डॉक्यूमेंट के तौर पर आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी। फ़ोटो आईडी प्रूफ के तौर पर आप अपनी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विथ फ़ोटो, इसके अलावा कोई आप अन्य फ़ोटो आईडी प्रूफ दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके पैन कार्ड की कॉपी की ज़रूरत होगी, पैन कार्ड मस्ट है। दोस्तों इसके अलावा आपके इनकम प्रूफ की कॉपी की ज़रूरत होगी। आप इनकम प्रूफ के तौर पर आप अपनी लास्ट 6 महीने की सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, या फिर आप अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके लेटेस्ट फॉर्म 16 और IT रिटर्न्स की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी की ज़रूरत होगी। अगर आप सुंदरम फिनांस होम लोन से अगर आप अपनी खुद की ज़मीन खरीदकर उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके ओरिजिनल रजिस्टर्ड टाइटल डीड की कॉपी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा इम्बर्समेंट सर्टिफिकेट की कॉपी की ज़रूरत होगी, लीज़ की कॉपी की ज़रूरत होगी और ओरिजिनल इस्टीमेट की कॉपी की ज़रूरत होगी। अगर आप बिल्डर के द्वारा बना बनाया फ्लैट अगर खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए ओरिजिनल रजिस्टर्ड सेल डीड की कॉपी की ज़रूरत होगी, ओरिजिनल सेल एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ कस्टमर इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी, ओरिजिनल स्टैम्प्ड रिसिप्ट फॉर पेमेंट मेड बाय कस्टमर टू द बिल्डर इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी, इंबर्समेंट सर्टिफिकेट की कॉपी की ज़रूरत होगी, मॉर्गेज लेटर परमिशन बाय बिल्डर इन फेवर ऑफ सुंदरम फिनांस इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम बिल्डर इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी, हैंडिंग ओवर पोजीशन ऑफ फ्लैट इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी और कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्लान एंड फ्लोर प्लान इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर आप रीसेल बेसिस पर अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी, ओरिजिनल सेल डीड इन फेवर ऑफ सेलर इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी, लीज़ एग्रीमेंट की कॉपी की ज़रूरत होगी, ड्राफ्ट सेल डीड की कॉपी की ज़रूरत होगी और एविडेंस ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ पोजीशन बाय सेलर इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर आप रीसेल बेसिस पर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके ओरिजिनल सेल्स एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी, ओरिजिनल सेल्स डीड इन फेवर ऑफ सेलर इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ सेलर इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी, कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्लान एंड फ्लोर प्लान इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी और एविडेंस ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ पोजीशन बाय सेलर इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सुंदरम फिनांस होम लोन के लिए अप्लाई कैसे करें। दोस्तों आप सुंदरम फिनांस होम लोन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सुंदरम फिनांस होम लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सुंदरम फिनांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट की होम पेज पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करें। अगले पेज पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करें। अगले पेज पर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आप इंटर करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म भरने के बाद बैंक के एम्प्लॉई आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और लोन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों बात करें सुंदरम फिनांस होम लोन के लिए ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले सुंदरम होम फिनांस की नज़दीकी ब्रांच में जाना होगा। बैंक की ब्रांच में जाकर बैंक के एम्प्लॉई से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। बैंक के एम्प्लॉई आपको होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। फिर आपको एक फॉर्म भरना होगा और उसके साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको फॉर्म को वहीं पर सबमिट कर देना होगा। 200 फॉर्म सबमिट करने के बाद लोन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है, तो लोन की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद आप लोन की अमाउंट को अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सुंदरम फिनांस होम लोन के लिए लॉगिन कैसे करें। दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले सुंदरम फिनांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर कस्टमर लॉगिन के ऑप्शन में होम लोन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करें। अगले पेज पर आपके सामने लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें कस्टमर आईडी और पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सुंदरम फिनांस होम लोन कैसे लें और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।